हेलो स्टूडेंट्स, कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या फिर ऑलरेडी कोई बिजनेस चल रहा है उसको सक्सेसफुली रन करने के लिए हमें फिनांस की जरूरत पड़ती है, हमें फंड की जरूरत पड़ती है। तो क्या है सोर्सेज, कहाँ कहाँ से हम कैसे कैसे फिनांस इकट्ठा कर सकते हैं, फंड इकट्ठा कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिनांसिंग द न्यू एंटरप्राइज, कैसे आप नए एंटरप्राइज के लिए फिनांस इकट्ठा कर सकते हैं, तो इसका मतलब है प्रोवाइडिंग फंड फॉर न्यू एंटरप्राइज, यानी कि नए एंटरप्राइज के लिए फंड को प्रोवाइड करना। तो क्या सोर्सेज हो सकते हैं, तो सबसे पहले जो मोस्ट प्रेवलेंट सोर्स होता है, जो इजिली सोर्स होता है, वो ये कि जो नया एंटरप्राइज ओपन कर रहा है, जो एंटरप्रेन्योर है, वो खुद का पैसा लगाए, सेल्फ फाइनेंस करे। मोस्ट प्रेवलेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस इज सेल्फ फाइनेंसिंग बाय एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर खुद ही अपना पैसा लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट करे। बट अगर सपोज करिए कि एंटरप्रेन्योर के पास पैसा नहीं है, उसके पास आइडिया है, सब कुछ प्लानिंग है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो वो उस केस में फिर दूसरा ऑप्शन चूज कर सकता है, क्या अपने फैमिली मेंबर से, फ्रेंड्स से या फिर रिलेटिव से कॉन्टेक्ट कर सकता है फाइनेंस के लिए। अगर उसके बाद भी, यानी कि पहले उसने खुद को देखा, खुद के पास नहीं था, तो फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स के पास गया, उनके पास भी नहीं मिला, तब उस केस में वो क्या करता है कि अदर सोर्सेज पे जाता है, जो कि एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। इफ़ नॉट अवेलेबल देन एंटरप्रेन्योर शुड गो फॉर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स फंड, जो कि प्रोवाइड फंड प्रोवाइड करते हैं, उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाता है। तो हम पहले देखेंगे कि क्या नीड है, क्यों हमें न्यू वेंचर को ओपन करने के लिए फिनांस की जरूरत पड़ती है। तो सिंपल सी बात है कि टू मीट द कैश फ्लो चैलेंजेस, बहुत सारे कैश फ्लो होते हैं जब भी आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें फिनांस की जरूरत पड़ती है। जैसे कि नई मशीन खरीदनी है, इक्विपमेंट्स खरीदने हैं, वेजेस देने हैं, सैलरी देने हैं, एम्प्लॉइज हमें रिक्रूट करने पड़ेंगे, उनको वेजेस सैलरी देना है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हमें कैश चाहिए होता है, तो उसको मीट करने के लिए हमें फिनांस चाहिए। उसके बाद डिफरेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट, हमें बहुत सारे कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी करने होते हैं अपने नए एंटरप्राइज को ओपन करने के लिए, जैसे कि हमें बिल्डिंग परचेज करनी है, फिर रेंट पे लेनी है, कॉस्टली इक्विपमेंट, बड़े बड़े मशीनरी परचेज करनी है, कोई और प्रोजेक्ट तैयार करना है, साथ में चलाना है, तो उसके लिए भी हमें कैपिटल, जैसे कि फिक्स्ड असेट्स जो होते हैं उनको परचेज करने के लिए हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो उसके लिए हमें फंड चाहिए। फिर है कैश फॉर लेंथी प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल, क्या होता है कि हम जब कुछ ऐसे नए एंटरप्राइज भी होते हैं जहां पे जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है उसमें लंबा समय चाहिए होता है, यानी कि 2 से 5 या 10 साल तक लग जाता है उस प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करने के लिए, जैसे कि सॉफ्टवेयर गेम्स में काफी टाइम लगता है, 2 से 10 साल तक लग जाता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है, और प्रोडक्ट जब बनता है उसके बाद मार्केट में सेल होता है, उसके बाद हमारे पास रेवेन्यू आता है, तब जाके कहीं हमें कुछ प्रॉफिट होता है, हमारे पास पैसा आता है। तो ऐसे केस में हमें इस लॉन्ग ड्यूरेशन में जो लेंथी प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है उस ड्यूरेशन में भी हमें कैश की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसको मेंटेन रखने के लिए हमें फंड चाहिए होता है। तो ये है कुछ रिक्वायरमेंट कि हमें क्यों फंड की रिक्वायरमेंट होती है नए वेंचर के टाइम पे। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से हम फिनांस को इकट्ठा कर सकते हैं, फंड कलेक्ट कर सकते हैं। तो जो सोर्सेज ऑफ फिनांस है वो टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पे डिवाइडेड हैं, यानी कि आपको कितने समय तक के लिए फिनांस चाहिए उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फिनांस, यानी कि ऐसे सोर्स जहां से आप छोटे समय के लिए, कम समय के लिए फिनांस ले सकते हैं। फिनांस रिक्वायर्ड फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी कि 1 साल तक के लिए अगर आपको फिनांस चाहिए, पैसा चाहिए, फंड चाहिए, तो आप इन सोर्सेज पे जा सकते हैं। दूसरा है मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फिनांस, यानी कि इन सोर्स ऑफ फिनांस से आप जो है 1 से 5 साल तक के लिए फंड इकट्ठा कर सकते हैं। फिर है लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, जहाँ पे आपको 5 साल या उससे अधिक समय के लिए पैसा चाहिए, फंड चाहिए, तो इन सोर्सेज पे जा सकते हैं, मोर देन 5 ईयर। तो आप जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है वो शॉर्ट टर्म फिर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, मिड टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, और लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में क्या होता है, जैसे कि वर्किंग कैपिटल फाइनेंस चाहिए होता है आपको, डेली जो डेली एक्सपेंसेस होते हैं लाइक पेमेंट ऑफ वेजेस, सैलरीज, वर्कर और एम्प्लॉइज, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, टैक्स लायबिलिटीज, इन सब के लिए आपको क्या होता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस पे फोकस करना होता है। वहीं मिड टर्म फिनांस पे जैसे कि प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, डिवेंचर आप दे रहे हैं, बोरोइंग कर रहे हैं कमर्शियल बैंक से, एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको मिड टर्म सोर्स में जाना होता है। वहीं पे लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फिनांस में क्या है कि आप जैसे कि कैपिटल फिक्स असेट्स परचेज करें, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, इन सब के लिए आपको क्या करना पड़ता है, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फिनांस की तरफ देखना पड़ता है। तो हम एक एक करके देख लेते हैं कि कौन कौन से शॉर्ट टर्म सोर्सेज हैं, कौन से मिड टर्म सोर्स हैं, कौन से लॉन्ग टर्म सोर्स हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फिनांस, तो इसमें आता है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट यानी कि व्यापार में उधार लेना। तो ये क्या है, अंडरस्टैंडिंग बिटवीन कंपनी, यानी कि आप जिनसे ट्रेड कर रहे हैं, जैसे आप सप्लायर से रॉ मटेरियल ले रहे हैं, तो आप उनसे क्या कर सकते हैं कि हम आपसे रॉ मटेरियल अभी ले ले रहे हैं, लेकिन आपको जो पेमेंट है हम वो आपको इन फ्यूचर करेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग बिटवीन कंपनीज और पेमेंट इज डिफर्ड फॉर ए पीरियड, यानी कि आप फ्यूचर
में किसी टाइम पे आप उसको पेमेंट करेंगे, अभी तुरंत कैश पेमेंट आप नहीं करेंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ नॉट पेइंग इंस्टेंटली, यानी कि ट्रेड क्रेडिट में क्या होता है कि आपको तुरंत पे करने की जरूरत नहीं होती, आप इन फ्यूचर किसी भी डेट पे जो भी अंडरस्टैंडिंग होती है आपके और सप्लायर के बीच में, उस डेट पे आप जो है पे करते हैं। तो एक तरीके से आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंस यहाँ से आप गेन कर सकते हैं। फिर एक्रूड एक्सपेंसेस, एक्रूड एक्सपेंसेस क्या होता है, एक्सपेंसेस जो कि इनकर्ड हो चुके हैं लेकिन आपने पेमेंट अभी नहीं किया है, एक्सपेंसेस इनकर्ड बट पेमेंट इज नॉट मेड, यहाँ पे NOT ने लिखा है तो नॉट मेड है वो। तो एक्सपेंसेस इनकर्ड बट पेमेंट इज नॉट मेड, यानी कि आपने उनसे सामान ले लिया है, सप्लायर से रॉ मटेरियल ले लिया लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया, इन फ्यूचर कभी पेमेंट करेंगे। तो ऐसे एक्रूड एक्सपेंसेस भी आप अपने पास रखते हैं जहाँ पे शॉर्ट टर्म फाइनेंस के तरीके से काम करता है, यानी कि आपको तुरंत पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से डिफर्ड इनकम भी होता है, यानी कि जो आपने इनकम को एडवांस में रिसीव कर लिया, किसी से आपको कोई प्रोडक्ट डिलीवर करना था लेकिन आपने उनसे पैसा पहले ले लिया है और प्रोडक्ट डिलीवरी आप बाद में करेंगे किसी फ्यूचर डेट पे, तो उस टाइप की इनकम को कहते हैं डिफर्ड इनकम। तो ये भी एक शॉर्ट टर्म सोर्स है फिनांस का। फिर है कॉमर्शियल पेपर, तो ये क्या है, एक अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट है या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो कि कंपनी द्वारा इशू किया जाता है जिसपे कुछ फेस वैल्यू होती है जो कि मैच्योरिटी डेट पे उसको पेमेंट करना होता है। तो ये आप सप्लायर को, बिजनेसमैन को, जिनसे भी आप ट्रेड कर रहे हैं, जिनको भी आप पेमेंट करना है, उनको आप ये कॉमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं। एक तरीके का प्रॉमिसरी नोट है जिसमें आप प्रॉमिस करते हैं कि उसको जो भी आप डेट देंगे, ये नॉर्मली 15 से 1 ईयर का जो है आप देते हैं, टाइम देते हैं, तो उस टाइम ड्यूरेशन में आप उसको फेस वैल्यू पे करेंगे। तो इसमें कोई ग्रेस पीरियड का प्रोविजन नहीं होता है, आपको फिर उस मैच्योरिटी डेट पे उतना अमाउंट जो फेस वैल्यू आपने मेंशन किया होगा उस कॉमर्शियल पेपर पे, उतना आपको अमाउंट पे करना होगा। इसी तरीके से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, तो ये क्या है, इशूड बाय बैंक टू डिपॉजिटर, यानी कि जो न्यू वेंचर्स जिसने एंटरप्रेन्योर है उस वो क्या करता है कि बैंक में कुछ पैसे अमाउंट डिपॉजिट कर देता है और बैंक से एक सर्टिफिकेट इशू करवा लेता है कि हाँ उसके पास, बैंक के पास कुछ अमाउंट डिपॉजिट है, और वो जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए वो यूज़ कर सकता है। सपोज करके आपने सप्लायर से रॉ मटेरियल, आपके पास कैश नहीं है, तो आपने वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सप्लायर को दे दिया, जब वो डिपॉजिट मेच्योर हो जाएगा तो वो जो सप्लायर है उसको कैश करा सकता है, या फिर इन बिटवीन आप जो है सप्लायर को कैश पेमेंट करके वो सर्टिफिकेट वापस ले सकते हैं। इसी तरीके से लेटर ऑफ क्रेडिट, तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, यानी उधार की चिट्ठी, तो फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी, ये क्या है, बैंक आपको यानी कि जो एंटरप्रेन्योर उसको गारंटी देती है कि हाँ इनके पास आप इनको उधार दे सकते हैं, अगर ये उधार नहीं चुका पाएंगे तो हम यानी कि बैंक उसको पे करेगी। तो फॉर्म है बैंक गारंटी टू ऑब्टेन क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर्स, तो सप्लायर से अगर आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप बैंक से लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवा के आप उसको दे सकते हैं। अगर आप उस टाइम ड्यूरेशन में पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो बैंक फिर आपकी जगह पे वो पेमेंट करेगी, और फिर बैंक को पेमेंट करना होता है लेटर ऑफ क्रेडिट जो कि बैंक देती है डिपॉजिटर को ताकि वो ट्रेड कर सकें। इसी तरीके से इंस्टॉलमेंट क्रेडिट्स, नाम से क्लियर है कि आप क्या करते हैं, इसमें जो पेमेंट होता है उसको आप इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हैं, सप्लायर से जो भी आपने रॉ मटेरियल लिया है या फिर जो भी आपने परचेजिंग की है उसको आप क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं। इसी तरीके से लास्ट जो कॉमन सोर्स है वो है बैंक फिनांस, यानी कि बैंक से फाइनेंस लेना। तो ये कुछ शॉर्ट टर्म सोर्सेज हैं जहाँ से आप फिनांस इकट्ठा कर सकते हैं अपने न्यू वेंचर के लिए, फिर जो ऑलरेडी आपका वेंचर चल रहा है। अब हम देखेंगे कि कुछ मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फिनांस की, यानी कि 1 से 5 साल तक के लिए आपको फिनांस है तो कहाँ से इकट्ठा कर सकते हो। इसी तरह से फिनांशियल इंस्टीट्यूशन जैसे LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, इंडस्ट्रियल फिनांस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI, स्टेट फिनांशियल कॉरपोरेशन SFC, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन SIDC, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI, ये कुछ फिनांशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो कि किसी भी न्यू इंटरप्राइज को या फिर जो ऑलरेडी इंटरप्राइज बिजनेस चल रहे हैं उनको फाइनेंस प्रोवाइड करती है 1 से 5 साल तक के लिए। इसी तरीके से कमर्शियल बैंक्स हैं, PNB, SBI, CBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अलग अलग बैंक्स हैं, तो इन बैंक से भी आप जो है मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म फिनांस या लॉन्ग टर्म फिनांस जो है ले सकते हैं। पब्लिक डिपॉजिट, आप क्या करते हैं कि पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, मनी रिसीव्ड और कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिक आइदर एज डिपॉजिट और लोन, वो उसको क्या कहते हैं, पब्लिक डिपॉजिट कहते हैं। इसके थ्रू भी आप जो है फाइनेंस जो है इकट्ठा कर सकते हैं अपनी बिजनेस के लिए। याद रखिए कि जो शेयर और डिवेंचर से पैसा आता है वो मीडियम टर्म सोर्स में, पब्लिक डिपॉजिट में नहीं आता है, वो लॉन्ग टर्म सोर्स में आता है। इसी तरीके से हायर परचेज क्या है, हायरिंग ऑफ एन एसेट फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, पेमेंट इज डन इन इंस्टॉलमेंट एंड आफ्टर पेइंग लास्ट इंस्टॉलमेंट बिकम ऑनर, यानी कि आप क्या करते हैं कि आप कोई मशीनरी इक्विपमेंट चाहिए होता है तो आप उसको परचेज उसको जो है हायर कर लेते हैं, ठीक, उसके बाद उसका पेमेंट इंस्टॉलमेंट से करते हैं, और फिर जब लास्ट इंस्टॉलमेंट आप उसको पे कर देते हैं तो फिर आप उसके ऑनर होते हैं। जब तक आप इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं तब तक आप उसके ऑनर नहीं होते, हाँ लेकिन आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इंस्टॉलमेंट पूरा पे नहीं कर पाते, उसकी पूरी अमाउंट पे नहीं कर पाते, तो फिर सेलर जो है वो उसको दोबारा से प्रोसेस कर लेता है अपने अपने कब्जे में
ले लेता है, तो हायर परचेज का भी ऑप्शन है। इसी तरीके से लीज फाइनेंसिंग, लीज फाइनेंसिंग क्या है, रेंटिंग एंड एसेट, यानी कि आप क्या कहते हैं, उधार पे कोई सामान लेते हैं, उसको यूज़ करते हैं, उसको फिर वापस कर देते हैं, लीज फाइनेंसिंग भी कर सकते हैं मीडियम मिड टर्म में। इसी तरीके से आता है फिर लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। लॉन्ग टर्म में क्या है, जैसे शेयर्स हो गए, आप शेयर्स इशू कर सकते हैं, अपने जो कैपिटल है उसको स्मॉल यूनिट डिवाइड करके उसको शेयर करते हैं, फिर शेयर को आप जो है पब्लिक को सेल कर देते हैं, तो शेयर होल्डर्स ही क्या हो जाते हैं, फिर वो ऑनर्स भी हो जाते हैं उस कंपनी के, जितनी शेयर होल्डिंग होती है उसके अकॉर्डिंग। फिर आप डिवेंचर्स इशू कर सकते हैं, इसके थ्रू भी लॉन्ग टर्म सोर्स आप इकट्ठा कर सकते हैं। टर्म लोन होता है जो बैंक से आप लेते हैं लंबे समय तक के लिए, 1 साल से 10 साल तक के लिए आप बैंक से इशू करा सकते हैं, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं टर्म लोन, जो कि लॉन्ग टर्म सोर्स है। इस तरीके से लीज फाइनेंसिंग जो भी आपने ऊपर देखी, आप क्या करते हैं कि रेंट पे लेते हैं कोई भी सामान और उसके बाद उसको वापस कर देते हैं। तो ये कुछ सोर्सेज ऑफ फिनेंस हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, जिसके थ्रू आप फिनांस इकट्ठा कर सकते हैं, फंड इकट्ठा कर सकते हैं अपने नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, या फिर जो ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है उसको कंटिन्यू सक्सेसफुली रन करने के लिए।